हाय दोस्तों, आज मैं हूँ पुष्पक नगर में और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरह से पुष्पक नगर का डेवलपमेंट शेप ले रहा है। पीछे देख सकते हैं आप मेरे, काफी अच्छा रोड है और यहाँ पे दोनों रोड के दोनों साइड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फुल स्विंग में चल रही है। तो दोस्तों, मैं हूँ अजय कुमार, आपका अपना प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो में एंड तक बने रहें। गाइस, हम लोग पनवेल के पलस्पे लोकेशन पे हैं और मेरे पीछे जो हाईवे है ये JNPT हाईवे है। इसी हाईवे से हम लोग जाने वाले हैं और पुष्पक नोड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस बने रहिए, आपको पुष्पक नोड लेके चलते इसी हाईवे से। ये हाईवे जाके आगे मुंबई को भी कनेक्ट होती है। आगे से राइट अगर लेते हैं और सीधे चले जाते हैं तो पुष्पक नगर आती है, और थोड़ा और सीधे होके अगर फिर राइट की तरफ कर्व लेते हैं तो उलवे भी कनेक्ट होता है। गाइज, मेरे पीछे जो हाईवे है ये सीधे पुणे की तरफ जाएगा। आप राइट लोगे तो आप गोवा और अलीबाग की तरफ चले जाओगे। तो ये आपको लोकेशन जो है काफी सेंट्रलाइज है। नवी मुंबई में आप ऑलरेडी कनेक्टेड है, पुणे भी आप कनेक्ट कर रहे हैं और आप गोवा भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज आप अगर आप देखते हो पुष्पक नोड की, तो कनेक्टिविटी सुपर्ब है। मैं हूं सेक्टर 5 में और आप देख रहे हैं कि सेक्टर 5 के आसपास जो डेवलपमेंट है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। यहां से अगर 360 व्यू पुष्पक नगर की मारते हैं सेक्टर 5 से, तो आपको पता चलता है कि हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है। प्लॉट्स के टेंडर काफ़ी हद तक हुए हैं और कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हर प्लॉट पर हो रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ आप देखो तो एलिवेशन काफ़ी खड़ा हो चुका है, रेडी होने को भी आ गए एक दो प्रॉपर्टी। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस एरिया का 360 डिग्री व्यू। तो दोस्तों, सेक्टर 1 से 3 आपका राइट साइड ऑफ द हाईवे है एंड सेक्टर 4 से 10 आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हाईवे है। तो इससे मालूम पड़ता है कि टोटल 10 सेक्टर्स है यहाँ पे। पुष्पक नोड भी सिडको का एक प्लांड नोड है और यहाँ भी होटल, अम्यूजमेंट पार्क और प्लेग्राउंड के लिए रिजर्वेशन होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ स्टार होटल के लिए प्लॉट रिजर्व्ड है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ लोकेशन की बात कर रहे हैं, बिल्डर की बात तो बाद में करेंगे, प्रोजेक्ट की बात बाद में करेंगे। ये लोकेशन ना कि रियल इस्टेट से लैश है, बल्कि नेचुरल ब्यूटी भी अगर आप देखते हो इस लोकेशन की तो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पीछे आप देखिए, एक हिल का रेंज है, नॉट जस्ट अ छोटा सा हिल बट पूरा हिल का रेंज है। और ये बारिश में आप इमेजिन करो कि किस तरह का ब्यूटीफुल व्यू होता होगा यहाँ पे। इस खूबसूरत नज़ारे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा होगा आपका सपनों का घर यहाँ। अच्छे और रेपुटेड बिल्डर का प्रेजेंस है यहाँ पे। हिल साइड अपार्टमेंट भी आपको मिल जाएंगे। ट्रांस हार्बर लिंक की शुरुआत हो चुकी है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफ़ी पास का लोकेशन है, तो इससे भी आप खुद फ्यूचर एप्रिसिएशन इस लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कुछ बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन रेडी भी कर दिया है। सो एक्टिविटीज़ काफ़ी जोरों से चालू है इस नोड के लिए। प्लानिंग भी हो चुकी है, एयरपोर्ट के पास का लोकेशन है तो डेफिनेटली इधर एप्रिसिएशन आना है। कोई भी एंड यूज़र और इन्वेस्टर इस वीडियो के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकता है कि कितने टाइम तक वो अपने इन्वेस्टमेंट को मैच्योर कर सकता है। और एंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकेशन दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पुष्पक नगर में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा टाइम कौन सा हो सकता है, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा टाइम यही होगा
कि आप अभी इन्वेस्ट करें पुष्पक नगर में, यहाँ पे डेवलपमेंट अभी अभी पिकअप हो रहा है, आपके पास काफ़ी टाइम है आपके मनी को अप्रिशिएट कराने के लिए। वंस ये लोकेशन अगर डेवलप हो जाता है तो फिर आप उस समय जब आप आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए तो एक अलग प्राइस टैग होगा, और अभी के जो प्राइस टैग होंगे वो अलग होंगे। मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ लोकेशन के बारे में बता रहा हूँ। लोकेशन को अच्छे से समझिए, प्रॉपर्टी चूज़ कराना और करना तो हमारा अगला स्टेप है।